हेलो, कैसे हैं आप लोग? प्रीति डायरीज में मैं प्रीति झा आप लोग का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। मेरा जो भी काम था, झाड़ू पोछा, वो सब हो चुका है। टप्पू अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर रहा है। आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी, तो चलिए किचन में। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं 4 चम्मच बेसन, उसमें अजवाइन, जीरा, साबुत, धनिया, ये सब चीज़ों को हम क्रश करके डालेंगे, हल्का कूट लेंगे। उसके बाद फिर धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर तो क्रश कर ही लेंगे। अब धनिया पाउडर फिर से नहीं डालना है। घी डालेंगे। घी डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट बेसन की सब्जी बनती है। और 2 चम्मच दही, ये दोनों चीज़ हमें ज़रूर मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच सरसों तेल भी डाल दिया। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक थोड़ा टेस्ट के अनुसार डालना है। उसके बाद पूरी तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाद में हल्का पानी डालना है। ज़्यादा पानी डालने पर यह अच्छा नहीं बनता है, तो इसीलिए थोड़ा हल्का पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे तेल लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। फिर इसको अच्छे से इस तरह से प्लेटफॉर्म पर रखकर इसे अच्छे से हाथों से इस तरह से इसका मसाज करेंगे। हाथों पर हल्का तेल लगाकर इसे अच्छी तरह से इसी तरह से हम गूंद लेंगे, ताकि जब हम इसका बनाए बेसन की सब्जी तो ये बिल्कुल फटे नहीं, अच्छे से बन जाए, दरार बिल्कुल नहीं आए। तो जब ये इस तरह से हो जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो बेसन है वो अच्छी तरह से गूंदकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम 2 भागों में काट लेंगे। गरम पानी मैंने गैस पर चढ़ा लिया है। जब वो उबलने लगेगा तो फिर मैं उसमें इसको डाल दूंगी। डाल देंगे, उसके बाद डालने के बाद उसको छोड़ देंगे। और यहाँ मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ, तो दही में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सब डालकर मिक्स करके अलग रख लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बेसन की सब्जी में, अगर हम दही में मसाले डालेंगे तो। यहाँ मेरा बेसन हो चुका है और देख लीजिए ये कितना सॉफ्ट और अच्छा बना है। चाकू की मदद से हम इसको इस तरह से काट लेंगे। ये बिल्कुल भी चाकू में चिपक नहीं रहा है, देख रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है, हो चुका है। अब इसको हल्का तेल में हम फ्राई कर लेंगे। सरसों तेल मैं यहाँ डाल रही हूँ। मैं जितनी भी सब्जी बनाती हूँ वो सरसों तेल में डालती हूँ। मेरे घर में सब सरसों तेल में ही सब्जी खाते हैं। वैसे भी हम बिहारी सरसों तेल के बिना कहाँ जीने वाले। तो यहाँ मैं बेसन को फ्राई कर लूँगी, हल्का फ्राई करूँगी। बेसन की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। कहीं कहीं इसे गट्टे की सब्जी भी बोला जाता है, हम तो इसे बेसन की सब्जी ही बोलते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है, अगर जो इसे अच्छे से बनाया जाए। और जिस तरीके से मैं आप लोग को बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ प्याज डाल दिया है, टमाटर और अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लो फ्लेम पर इसे भून रही हूँ। भूनने के बाद जब ये हो जाएंगे तो फिर ये दही में जो मसाले मिलाए थे हम वो डाल देंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भूनना है। मसाले अगर अच्छी तरह से भून जाए तो तभी सब्जी टेस्टी बनते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भूनना है। मसाले भून गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनानी है, थोड़ी ग्रेवी वाली बनानी है जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फिर मैंने जो बेसन फ्राई किए हैं वो इसमें मैं डाल दूंगी। वो डालने के बाद जब ये उबलने लगेगा तो 2-3 मिनट गैस को लो फ्लेम पर करके छोड़ देंगे। उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दें। कसूरी मेथी डालने पर बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसमें डालकर गैस को लो फ्लेम
पर करके 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे उतार कर धनिया पत्ती से सजा देंगे। नमक मैं डालना भूल गई थी तो मैं अभी डाल रही हूँ। तो मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बेसन की सब्जी। आप लोग देख सकते हैं कितनी टेस्टी सब्जी है। आप लोग बनाइए, खाइए, तभी आपको पता चलेगा। इसके साथ मैं बना रही हूँ पराठे। मेरा ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो चुका है। आज शाम में मुझे वैक्सीन लेने के लिए जाना है। सब मेरे घर में ले चुके हैं, बस मैंने अभी तक नहीं लिया है। आज मैं ले लूँगी, आप लोगों ने भी ले लिया होगा। बहुत ज़रूरी भी है लेना, ज़रूर लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। आप लोग भी बेसन की सब्जी बनाते होंगे, पर मैंने जो ऐसा बनाया है आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं अच्छा अच्छा वीडियो ज़रूर लाऊंगी।